वेलकम टू ओडिया एग्जाम पब्लिकेशन। ओडिया एग्जाम पब्लिकेशन ने आपण मानु स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देख। एबे वर्तमान में आलोचना करिबा ओएफडीसी ओडिशा फॉरेस्ट डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन जो रही ओएफडीसी ओएफडीसी रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिपारे तुम्हारा ओएफडीसी फील्ड असिस्टेंट 28 नवंबर 2021। ओएफडीसी फील्ड असिस्टेंट 28 नवंबर 2021 रे जो एग्जाम होता बैच वन रहा तुम सेटिंग वन बाय तुम्हें कहींपर आम फास्ट बैच जो होता आम फास्ट सीटिंग क्वेश्चन बर्तमान तुम सहित आलोचना करी केवल जीके क्वेश्चन पर इंग्लीश क्वेश्चन इंग्लीश तुम मैथ जहाँ भी तुम क्वेश्चन रही आलोचना करी। फास्ट तुम सहित मुझे जीके क्वेश्चन आलोचना करी फास्ट बैच आउ सेकेंड बैच रवेम्बर 29 नवेम्बर रुझेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल वाटर लेक बड़ कर दूसरी स्क्रीन तुम देखिपर जीके सेक्शन कौ भाई क्वेश्चन आसा भी तुम आईडिया आसो कौ भाई क्वेश्चन आसा तुम मन में आईडिया आसीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। सटिक आंसर कौन हो रे 41 नंबर सटिक आंसर मन रखियो ऑप्शन नंबर डी तुम सटिक आंसर फेलर लेक तुम क्योंठे अवस्थित। क्वेश्चन देखिए तुमको सबुठार्जेस्ट सब बड़ नेचुरल फ्रेश वाटर जमीन कह लुणिया हर्द कहे चिलिका को बुझौते लगुण लेक किंतु आम कहते नेचुरल फ्रेश वाटर आमर मृदु जल मीठा जल मीठा जल हर्द क्योंठी अटे तेणुक मधुर जल हर्द रही हुलार लेक तुम जम्मू एंड काश्मीर में अवस्थित बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम ये तुम गोटे करेंट अफेयर क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट जनरल पब्लिक वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कौन जी तुम्हारे 42 नंबर सटिक आंसर ऑप्शन नंबर डी कोविन बुझेगा। किंतु देख ये क्वेश्चन तुम से 2021 एग्जाम होता देखी पार ये तुम कौ डेट्रे 28 नवंबर 2021 तेनालीस चारिमास पूर्व क्वेश्चन ये करेंट अफेयर रही कि करेंट अफेयर तुम आसो एबिका करेंट हिसाब से यही क्वेश्चन तुम्हें देखी रख। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे 43 नंबर द माइकल हिल केउठारे अवस्थित केउ स्टेट रे अवस्थित महाराष्ट्र ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ कौन जीवर सटिक आंसर मन रखियो छत्तीसगढ़ कौन जीवो छत्तीसगढ़ तुम्हारा माइकल हिल अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मे द अंडमान एंड निकोबर आइलैंड इज सेपरेटेड बाय द डैश क्वेश्चन कौन अंडमान आउ निकोबर ग्रुप को जो लाइन आम कौन कर सेपरेट कर लाइन की आम कौ चेल बोली जानी था मन रखियो 44 नंबर सटिक आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री चैनल भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बापा सब बोले परीक्षा पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आम 45 देख ये है तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फील्ड असिस्टेंट रवेम्बर मस जो एग्जाम होता तहारी क्वेश्चन मुझ तुम सहित आलोचना करुच्ची 28 नवेम्बर होता आउ 29 नवेम्बर होता तहारी क्वेश्चन मुझ तुम सहित आलोचना करी ब्याच वन ब्याच टू रहापर प्ले लिस्ट समस्ते जोग दिंतु प्ले लिस्ट तुमको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सहित प्राक्टिस मॉक टेस्ट कराई रखी फ्री टेलीग्राम पेज रे प्रति संडे दिन तुमको फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द वेन्यू फॉर 35 नेशनल गेम इन इंडिया क्वेश्चन कौन क्योंठे तुम भारत 35तम नेशनल गेम जातीय खेल अनुष्ठित हो जाए जातीय क्रीडा अनुष्ठित हो जाए सठिक आंसर मन रखियो केरल कौन हो तुम केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करंट अफेयर था से रिलेटेड करंट अफेयर एवं तुमको देखा मिले ये करंट अफेयर तुम पड़ो। व्हिच द पॉपुलरली नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भारत मिसाइल म्यान मिसाइल म्यान आम भारत में क्या कही सटिक आंसर कौन हो 46 नंबर ऑप्शन नंबर ए हो तुम सटिक आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 प्रोवाइड्स फॉर व्हिच टाइप ऑफ लेजिस्लेचर क्वेश्चन कौन भारत संविधान आमर 26 जनवरी 1950 मानिचं प्रचलन हो आसुची एम क्यों टाइप लेजिस्लेचर को मान्यता दे 47 नंबर सटिक आंसर बाई कैमेराल कौन जी तुम बाई कैमेराल बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम व्हिच साइंटिस्ट इज फॉर एवर रिमेम्बर फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क इन ट्रीटमेंट ऑफ काला आजार क्वेश्चन कौन काला आजार ट्रीटमेंट क्यों साइंटिस्ट प्रसिद्ध अटंती मन रखियो राय बहादुर उपेन्द्र नाथ ब्रह्मचारी ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49 व्हेयर इज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ऑफ इंडिया लोकेटेड क्वेश्चन कहूँ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केउठारे अवस्थित सठिक आंसर मन रखिबो तिरुवनंतपुरम केरल तिरुवनंतपुरम केरल राज्यर केरल केरल राज्यर तिरुवनंतपुरम ठारे तुमर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अवस्थित डांस रु कंपलसरी तुमको क्वेश्चन देखा मिले बाबू कंपलसरी क्वेश्चन आसे व्हाट इज राकेश शर्मा फेमस फॉर क्वेश्चन कहते राकेश शर्मा कौन पर फेमस अटंट जी आम रोहित शर्मा दे था जानी था रोहित शर्मा हूँ भारत अधिनायक एवं जन क्रिकेटर किंतु ये क्वेश्चन कौन अच्छी तुम नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सम्मुखें अच्छी ह्वाट इज राकेश शर्मा फेमस फॉर तेल राकेश शर्मा कौन पर प्रसिद्ध थिले तेल हि इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द मंगलयान मिशन ना हि इज द फास्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन ना हि इज द फास्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस ना हि इज द फास्ट चेयरमैन ऑफ इसरो सठिक आंसर कौन हो रे 50 नंबर ऑप्शन नंबर सी हि इज द फास्ट इंडियान एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस जी प्रथम महाकाश को जाते भारतीय प्रथम भारतीय जी महाकाश को जाते महाकाश यात्री थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मे क्वेश्चन नंबर 51 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया देखो मॉडर्न इंडिया रे क्वेश्चन आसी छी मु कहिथिलि तुमको आ पूर्व क्लास रे जो माने प्रिपरेशन करिवो केमिति करिवो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया लास्ट वाइसरॉय पचाची लास्ट वाइसरॉय जे से होचंदी फर्स्ट जनरल गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया फर्स्ट जनरल गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया तले के हिजबे रे लॉर्ड माउंटबेटन 51 नंबर रो ऑप्शन नंबर बी हिजबो तुम्हारो सटीक आंसर लॉर्ड माउंटबेटन जे कि लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एवं फर्स्ट गवर्नर जनरल बा फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबे हमें हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया के ना 52 नंबर सटीक आंसर मन रखिबो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर सी राजगोपाल चेरी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया होचंती सी राजगोपाल चेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्वेश्चन को जी किए तुमर एडमिनिस्ट्रेटर जे की शपथ ग्रहण करथांती टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 53 नंबर रो सटीक आंसर कौन है जीवरे ऑप्शन नंबर बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारतर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बा भारतर मुख्य विचारपति जे कि शपथ ग्रहण करथांती प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे क्वेश्चन नंबर 54 बेंगलुरु बुल्स इज वन ऑफ द टीम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल लीग इन इंडिया जोटा कि करेन्ट न्यूज रे सेटल थिला 2021 मसीह रे तेणुक क्वेश्चन पड़ी प्रो कबाडी लीग रे बेंगलुरु बुल्स खेलुला तेणुक गोटे क्वेश्चन अच्छी ये स्पोर्ट्स रु जब भी आम देखा एक्जाम हो करेन्ट न्यूज रे जहाँ अच्छी से हिसाब से स्पोर्ट्स करेन्ट एफेयर देखी रखा तुम सहित मुझे आलोचना करी तुम्हें टेनसन ना आवश्यकता ही ना फ्री स्टाइल इज वन ऑफ द कैटेगरी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्वेश्चन कहते हैं क्यों स्पोर्ट्स में फ्री स्टाइल बोली गोटे वर्ड गोटे कैटेगरी आम यूज करते सठिक आंसर 55 नंबर रही कौन ना रेसलिंग रेसलिंग में फ्री स्टाइल बोली आम गोटे कैटेगरी रही यूज करते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम बलवंत सेंथिल कुमार प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया देखो गोटे स्पोर्ट्स पर्सन ना पचार दौर आमको दौर से कौ स्पोर्ट्स सहित रिलेटेड अच्छा बेलभन बेलाभन सेंथिल कुमार ये हूँ स्क्वाश रुझेगा से भाई एवं रिलेटेड जो पर्सन न्यूज अच्छा स्पोर्ट्स जो पर्सन न्यूज अच्छा कंपलसरी क्वेश्चन तुम देखा मिल तेणुक आम मन रखा मुझ तुम सहित आलोचना करी प्ले लिस्ट में जोग दि गोटे गोटे क्वेश्चन आलोचना करी नीरज चोप्रा मेड हिस्ट्री ऑन अगस्त 7, 2021 बाय विनिंग इंडियाज फास्ट एवर गोल्ड मेडल इन एथलेटिक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट एट द टोक्यो ओलंपिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विथ क्वेश्चन कहते नीरज चोप्रा क्यों स्पोर्ट्स बिलंग्स करती सठिक आंसर कौन हो रे जाभलिन थ्रो देख के बुले मकई बड़ क्वेश्चन करके पचार तुमको यही जिते भी करेन्ट न्यूज जिते भी स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा रिलेटेड स्पोर्ट्स पचारिपे मन रखिए ओएफडीसी एग्जाम खूब शीघ्र हम
ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତୁମର କମ୍ପଲସରି ଓଏଫ୍ଡିସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇପାରେ। ଓଏଫ୍ଡିସି ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ହିନ୍ଦୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ ମହାଭାରତ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ କ୍ରିଷ୍ଣା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ମହାଭାରତ ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମହାଭାରତ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବା ଲର୍ଡ଼ କୃଷ୍ଣ ତୁମର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପାଞ୍ଚାଳ, ମଥୁରା, ଅଯୋଧ୍ୟା, ହସ୍ତିନାପୁର। 58 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବ, ମଥୁରା ହେଇଯିବ ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ମଥୁରାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିକି ଜଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, 2021 ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ବିକମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓମ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଥଲେଟ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅଲମ୍ପିକ୍ ମେଡାଲ? ପିଭି ସିନ୍ଧୁ। କହିଯିବ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ। ଦେଖ କେତେଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସରୁ ଆସୁଛି ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ରେ, ସ୍ପୋର୍ଟସରୁ ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ସ୍ପୋର୍ଟସ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେ ବି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଛି ସବୁଯାକ ପଢ଼ିକି ଯାଅ। 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ତୁମର ଫେବୃଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତେଣୁକରି ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ରେଡ଼ି କରିଦିଅ ଏବେଠୁ, ବୁଝିହେଲା? ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ଏଇ 4 ମାସକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ପଢ଼ିକି ଯିବ, ନଚେତ୍ ଯଦି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କରୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ତାହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପଢ଼ିକି, ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କରୁଛି ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜାନୁଆରୀ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପଢ଼ିବ। ଯଦି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କଲା ତାହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ନ ପଢ଼ିକି ଜାନୁଆରୀ ମାସଟା ପଢ଼ିବ, ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ତୁମକୁ ନା, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ୱାଜ୍ ପାସ୍ଡ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ, ଭାରତର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁକରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆକ୍ଟ ତୁମର 1947 ମସିହାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା? 1947 ମସିହାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ପ୍ଲଟେଉ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଦ ଛୋଟ ନାଗପୁର ପ୍ଲଟେଉ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି କେଉଁ ପ୍ଲଟେଉଠୁ ତୁମର ଛୋଟ ନାଗପୁର ପ୍ଲଟେଉରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେକ କୋଦର୍ମା ପ୍ଲଟେଉ, କୋଦର୍ମା ପ୍ଲଟେଉଟି ତୁମର ମାଲୁଆ ହବନି, ଡେକାନ ହବନି, ଡେକାନ ସାଉଥରେ ରହିଛି, ମାଲୁଆ ମଧ୍ୟ ସାଉଥରେ ରହିଛି, ବୁଙ୍ଗଲଖଣ୍ଡ ଇଏ ହବନି, ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କୋଦର୍ମା ପ୍ଲଟେଉ। କ'ଣ ଯିବ ରେ, 61 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେତେ ମୋଡରେଟ୍ ଆସୁଛି ଜାଣିପାରୁଛ, ସାଧା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୁହେଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଧରିବା ତୁମ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ରେ ବାପ, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ରଖିଲି ଫିଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର, ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ତୁମର ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଚାପ୍ଟରରୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଏଇଟା, ତୁମେ ଭିତରକୁ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଦ୍ରମା ପ୍ଲଟେଉଟି ତୁମର ଛୋଟନଗର ପ୍ଲଟେଉରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ମିଶନ୍? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏକି ଭାରତର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମିଶନର ଜନକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ବା ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମିଶନ? 62 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଡକ୍ଟର ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା। କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଡକ୍ଟର ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ 62 ନମ୍ବର ପରେ 63 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ ସିଟି ହ୍ୱେର୍ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଇଜ୍ ହେଲ୍ଡ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି କୁମ୍ଭମେଳା ଯେଉଁ 4ଟି ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ ତା ଭିତରୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଅପ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ତା ଭିତରୁ କେଉଁଠି? ମନେ ରଖିବ ଜାଲାଗାଓଁ ହବନି, ଭୋପାଳ ହବନି, ଜବଲପୁର ହବନି, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ପ୍ରୟାଗରାଜ। ପ୍ରୟାଗରାଜ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମର କୁମ୍ଭମେଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ କୁମ୍ଭମେଳା ତୁମର 4ଟି ପ୍ଲେସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ହରିଦ୍ୱାର, ହରିଦ୍ୱାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ, ନାସିକରେ ହେଇଥାଏ, ନାସିକରେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ନାସିକଟି ତୁମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ଉଜ୍ଜୈନ, ଉଜ୍ଜୈନଟି ତୁମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ 4ଟି ଜାଗାରେ ତୁମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କୁମ୍ଭମେଳା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ଟି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ। କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ହେଇଯିବ ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 64 ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 55 65। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जॉइंट सेक्रेटरी होम मिनिस्टर एडिशनल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इमाने होचंती आईएएस ऑफिसर जने थिबे एडिशनल सेक्रेटरी जने आईएएस ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी मध्ये आईएएस ऑफिसर ए समस्त होचंती एडमिनिस्ट्रेटिव इमाने समस्त होचंती एडमिनिस्ट्रेटिव बुझियला पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नुह तले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हेले होम मिनिस्टर बुझियला एडुक ऑप्शन नंबर बी हे जो तुम्हारा सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि तुमको द वेदस वेयर ओरिजिनली रिटन इन व्हिच लैंग्वेज क्वेश्चन कोची वेद तुमर ओरिजिनली केउ लैंग्वेज रे लिखा जायतिला तमिल तो हबनी पल्ली लैंग्वेज नुह प्रकृति नुह सटीक आंसर होची संस्कृत रे तुमर वेद गुडीक लिखा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द फर्स्ट पेपर मिल वाज सेट अप इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया क्वेश्चन कोची फर्स्ट पेपर मिल टी तुमर केउ ठारे स्थापित करा जायतिला मन के वेस्ट बंगाल है जो तुमर सटीक आंसर 67 नंबर ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड क्वेश्चन कहूँ क्यों फीचर टी तुम भारत संविधान आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन रु आसी आनी चंती डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑप्शन नंबर बी है तुम सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे जानी पार तुम्हें कौ टाइप क्वेश्चन आसूची कौ कौ चैप्टर आसूची से चैप्टर उपर तुम्हें फोकस कर बुझीला इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट क्वेश्चन कहूँ क्यों वर्ष तुम भारत राजधानी कलकत्ता दिल्ली को ट्रांसफर कर ब्रिटिश गवर्नमेंट रे 1911 मसीहा ऑप्शन नंबर बी है तुम सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे आयुर्वेद डिस्क्राइब ए पर्सन इज कंपेयर्ड ऑफ थ्री दोसास दोसास बायोलॉजिकल एनर्जीज वन इज द बट दोस व्हिच इज लिंक टू द डैश क्वेश्चन कहते आयुर्वेद डिस्क्राइब आम पर्सन सहित कंपेयर करनटा दोसाहस दुसाहस बायोलॉजिकल एनर्जी जो जानते गोटे भितर हूँ बट भट दोस बट दोस व्हिच इज लिंक टू डैश अर्थ फायर व्वाटर एयर बढ़िया क्वेश्चन टे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आई क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन रे जाए बा हार्ड क्वेश्चन आम गणी पार ये क्वेश्चन पे बहुत पढ़ी न था सटीक आंसर तुम कौन एयर एयर सहित लिंक अच्छे व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया 1947 क्वेश्चन कौन भारत संविधान सभार प्रेसिडेंट बा सभापति किए थे 1947 मसीह सटीक आंसर मन रख डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ऑप्शन नंबर ए है तुम सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ओनम द बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल ड्यूरिंग व्हिच स्नेक बोट रेस आर कंडक्टेड इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया क्वेश्चन कौन ओनम पर्व गोटे बड़ हिंदू फेस्टिवल जोटा कि ओनम पर्व आम पालन करो स्टेट रे जो थी आम डंगा रेस डंगा दौड़ था सटीक आंसर मन रखिए केरल राज्यर बड़ फेस्टिवल हूँ ओनम जो थी कि तुम्हें डंगा डंगा फेस्टिवल आम डंगा दौड़ बा डंगा रनिंग कर डंगा रेस कर 72 नंबर सरी जाइए देखिए आम जीके क्वेश्चन ना एति थी जीके क्वेश्चन तुम देखिपार मैथ क्वेश्चन रही क्वेश्चन जो आलोचना कली तुम पूर्व वर्ष क्वेश्चन ये हूँ तुम कौ डेट्र एक्जाम क्वेश्चन देखा दूसरी देख ओबीसी फील्ड असिस्टेंट भले कि देख रहे बापा बुझे चेस्टा कर ओबीसी फील्ड असिस्टेंट 28 नवंबर 2021 फर्स्ट बैच रे जो क्वेश्चन होता से क्वेश्चन ही तुम सहित मुझे आलोचना कली जदि भिडियोटी पसंद आसुची भिडियो लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब कर सहित सेयार कर रख पर क्लास तुम सहित आलोचना करी कौ क्वेश्चन पर क्लास तुम सहित आलोचना करी ओबीसी फील्ड असिस्टेंट 28 नवंबर 2021 बैच टू बैच टू दीटा सिफ्ट एग्जाम होता 28 तारीख दिन दीटा सिफ्ट होता फर्स्ट सिफ्ट क्वेश्चन हूँ यहाँ सेकेंड सिफ्ट क्वेश्चन तुम सहित मुझे क्लास आलोचना करी बुझीला जदि भिडियोटी पसंद आसी भिडियो लाइक कमेंट करने सहित चैनल को सब्सक्राइब कर रख और सांग सहित सेयार कर अधिक रु अधिक पिला सहित सेयार कर आ जो मैंने फर्म एपर्त आप्लाय करना लास्ट डेट अच्छी 12/12/2023 तेणुक पूर्व समस्त आप्लाय कर रख जहा कही से आप्लाय कर जहाँ भी तुम क्वारी रोचे मत कमेंट सेक्शन में पचार
ଆଉ ତୁମର କୋଉ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ମୋତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିକି ଜଣା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଜଣେଇଦେବି, କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଦେବି, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର ଓବିସି, ଓବିସି ଯେମିତି ତୁମର କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ପିଲା ମୋ ସହିତ ଓବିସି ଯୋଗ ଦେଇକି ଓବିସି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି 2021 ମସିହା ଆଉ 2022 ମସିହାରେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ବର୍ଷ ଯେମିତି ମୋର ପିଲାମାନେ ମିନିମମ୍ 100+ ପାଇବା ଦରକାର, ବୁଝିହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।